नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओपी हिंदी और मैं हूं आपके साथ नेहानंद। देश के कई राज्यों में झमाझम बारिश का युग शुरू हो चुका है। बारिश के इस ग्रैंड एंट्री से कई राज्यों में राहत है तो वहीं कई पहाड़ी इलाकों में मौसम से लोग परेशान हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 25 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है, जैसे झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कोंकणा गोवा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और केरल, इन सभी जगहों में 2 दिन बारिश हो सकती है। सूत्रों से पता चला है कि देश भर में हुई बारिश से 5 राज्यों में 16 लोगों की जान चली गई है। राजस्थान में बिजली गिरने के अलग अलग हादसों में 4 लोगों की जान गई। साथ ही मानसून के प्रवेश के साथ देश के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कोहराम मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले से बादल फटने की खबर भी सामने आई है। पहाड़ी इलाकों में हालात ज्यादा खराब है, साथ ही चार धाम की यात्रा पर भी असर पड़ रहा है। कई यात्री भी फंस गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन भारी हो सकते हैं। समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 72 घंटों में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि मंडी जिले में बाढ़ से 200 लोग फंस गए हैं। मंडी, कुल्लू और चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से रूट बंद हो गए हैं और सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। हालातों को देखते हुए उत्तराखंड में रेड अलर्ट और हिमाचल समेत नैनीताल, चंपावत, पिथौरगढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के चलते उत्तराखंड का बद्रीनाथ हाईवे भी बह गया है। हालांकि रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। वहीं महाराष्ट्र के ठाणे में भी बारिश से बुरा हाल है। वहां मकानों और दीवारों के गिरने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें एक इलाके से 40 फुट लंबी दीवार गिरने की खबर आई है। हालांकि किसी की घायल होने की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा मुंबई के घाटकोपर ईस्ट की राजावाड़ी कॉलोनी में ग्राउंड प्लस 3 मंजिला इमारत का एक हिस्सा ढह गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते 3री मंजिल पर फंसे 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया और लापता 2 व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां उन दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। असम में भारी बारिश की वजह से हजारों लोगों के हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं और कई लोग बेघर तक हो गए हैं। असम में बाढ़ से 9 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम के विभिन्न हिस्सों में इस साल बाढ़ की पहली लहर में 3 लोगों की जान गई है। हालांकि कुछ इलाकों में अब जल स्तर कम हो गया है। बात करें राजधानी दिल्ली की तो BSES ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से बिजली के खंभों से दूर रहने को, बिजली चोरी न करने को और जल भराव वाले स्थानों पर न जाने का आग्रह किया है। BSES की ओर से यह सलाह तब आई जब 34 वर्षीय शिक्षिका साक्षी आहूजा की रविवार सुबह बारिश के बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन परिसर में बिजली के तार से करंट लगने पर मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक खराब मौसम के चलते श्रीनगर से जम्मू के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो फ्लाइट 2 बार पाकिस्तान सीमा में जा पहुंची। बाद में इस फ्लाइट की अमृतसर में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। रविवार तकरीबन 3:30 बजे श्रीनगर से इंडिगो की फ्लाइट ने उड़ान भरी थी। 28 मिनट के बाद यह फ्लाइट खराब मौसम की वजह से कोटे जमेल के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हो गई। तकरीबन 5 मिनट तक ये फ्लाइट पाक एयरप्लेस में रही और सियालकोट होते हुए जम्मू की तरफ बढ़ गई, लेकिन जम्मू में मौसम खराब होने के कारण ये फ्लाइट वहां लैंड नहीं हो सकी, जिसके बाद फ्लाइट ने अमृतसर का रुख लिया। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को और भी सतर्क रहने की जरूरत है और जो लोग घूमने की योजना कर रहे हैं उन्हें अभी ठहर जाना चाहिए मौसम के काबू आने तक। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीओपी हिंदी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए।